रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब में। कार्यक्रम सवाल जवाब के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। सीधा बात प्रश्न विचार आम जनता के प्रतिनिधि मूलक आवाज। कार्यक्रम सवाल जवाब मार्फत देश के समसामयिक राजनीति घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार राखे वाला हरेक समय सान्दर्भिक विषय ऊपर बहस और छलफल करने सन संबंधित निकाय के व्यक्ति लोग के फोन संपर्क के जरिए से या स्टूडियो में बुला करके प्रत्यक्ष रूप से हमनी के आम जनता के समस्या संबंधित निकाय तक पहुंचाओ के प्रयास करने सन। आज भी एगो समय सान्दर्भिक विषय पर बहस और छलफल करे के खातिर उपस्थित हो चुकल बानी सन। और खास करके देखल जाओ तो अभी नेपाल विद्युत प्राधिकरण बिरगल्स के इतना न लापरवाहीपन ज्यादा बढ़ चुकल बाटे कि जौन अघोषित लोड सेटिंग कौनो समय में लाइन काट देता, जेकरा कारण से आम ग्राहक इतना न मार में बाटे, लाइन भी कभी भुकचुक कर रहल बाटे, जेकरा कारण से जितना भी विद्युतीय सामान सब बड़ा सन ऊपर असर पड़ रहा बाटे, कितना फ्रिज जर जाता, पंखा जर जाता, चाहे विद्युतीय उपकरण जितना बा ओमे क्षति पुग रहा बाटे, एकर जवाबदेही और जिम्मेवारी के संबंधित निकाय के ध्यान होके के पड़े चीज पर। आज विद्युत प्राधिकरण के अगाड़ी धरना भी देले वालो ये चीज पर, जे भी यहाँ के विद्युत से सरोकार रखे वाला यहाँ के हमनी के डीबा बिरगस के देखे वाला ध्यान आकर्षण जाए के पड़ल। अभी खेती पाती के समय शुरू हो चुकल बाटे, रोपाई अब कुछ दिन के बाद शुरू होई, लेकिन अभी किसान अपन तैयारी में बाटे, मल खाद के जोन अभाव बाटे एकरा के पूर्ति करे के पड़ल। जितना भी पालिका के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधि लोग बाटे, क्योंकि अब तो जनता के सबसे नजदीक के सरकार में आयल बा लोग, नया नया नव निर्वाचित जनप्रतिनिधि पहल का दायित्व बनता, क्योंकि हमनी के सबसे पहले देखा जाए हमनी के बैकग्राउंड पड़सा जिला कृषि पर आधारित जिला बाटे, 90% लोग कृषि पर आधारित बाटे, चाहे हम हो, रोआ हो, चाहे और क्यों हो, ये चीज पर फोकस होके के पड़ल कि विगत के दिन में जौना हिसाब से मल के अभाव भइल रहे अब की बार ना होखो, पालिका में जौन कोटा जा रहल बाटे, कृषि ज्ञान केंद्र जौन छुटिया के पिठा रहल बाटे साल ट्रेडिंग में, वहां से उतना कोटा मुताबिक के मल संबंधित पालिका में संबंधित वार्ड में पहुंचे के पड़ल, एकरा प्रति भी हमनी के ध्यान आकर्षण कराओ के चाहे सन। दूसर बात जिसे कि अभी देखल जाता धर्म के नाम पर एक दूसर के बीच में जौन हमनी के धार्मिक सहिष्णुता बाटे एकरा के कहीं ना कहीं खलबल पुगावे के दुष्प्रयास एकरा के कहल जाए हो रहल बाटे, लेकिन ये चीज के नजरअंदाज करके जाए के पड़ल। खास करके एक दूसरे में हमनी के नेपाल में एगो नेपाल धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ हर कोई एक दूसरा के धर्म प्रति उतने सहिष्णुता बाटे, हर धर्म माने वाला लोग के बीच में उतने प्यार मोहब्बत बाटे, जौन सदियों से ही प्यार मोहब्बत चलते आ रहा बाटे, तो दोसर देश के घटना के लेके, दोसर देश के राजनीतिक गतिविधि के लेके हमनी के अपना देश के धार्मिक सहिष्णुता के एकरा के खलबलाओ वाला कामना कर जाओ, ये हमनी के अनुरोध बाटे संपूर्ण लोग से। अब जैसे कि हमनी के बातचीत करें सन, अभी जौन फिलहाल संपन्न स्थानीय निर्वाचन संपन्न भइल का, ये निर्वाचन के जौन नतीजा सार्वजनिक भइल बहुत अनपेक्षित नतीजा आ गए, जैसे कि परसा के 14 गो स्थानीय तह में 13 गो स्थानीय तह में जौन बदलाव भइल, नेतृत्व परिवर्तन भइल, एकरा के खास करके देखल जाए विगत के चुनाव में स्थानीय निर्वाचन 2074 में परसा जिला के क्षेत्र नंबर 3 जसपा के लाल किला रहे, जहाँ 3-3 गो पालिका गाँव पालिका के अध्यक्ष वैसे पोखरिया नगर पालिका के उपमेयर लगाए लोग जीतर रहे, जेकरा कारण से वो क्षेत्र ब्रियार रहे, लेकिन अस्वाभाविक वहाँ परिवर्तन जौन भइल कौना कारण से, कहाँ नेतृत्व पंक्ति में कमी कमजोरी भइल कि जे कैंडिडेट लोग लड़ल का आधार कौना कारण से पार्टी का समीक्षा कैले बाटे। आज थोड़ा हमनी के चुनावी बीतल चुनावी गतिविधि और आगामी
कार्यदिशा काबाटी एकरा विषय पर छलफल करे के खातिर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पर्सा क्षेत्र नंबर 3 के क्षेत्रीय अध्यक्ष नागेन्द्र यादव जी से बात करें सन। नागेन्द्र सर स्वागत बा कार्यक्रम सवाल जवाब में। धन्यवाद मुकेश सर, धन्यवाद धन्यवाद। का हाल खबर बाटे? ठीक बा सर, ठीक बा। अब जैसे कि हम बहुत बढ़िया बाटे, हमने के शुरुआत करें सन, जैसे कि आज के हमने के सवाल जवाब के बहस शुरू कहाँ से हम करे के चाहे, स्थानीय निर्वाचन 2079 के जोन नतीजा सार्वजनिक भेल, जी जी, ये नतीजा जोन हमने के पर्सा जिला क्षेत्र नंबर 3 जोन हमने के एगो जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के एगो पॉकेट क्षेत्र लख जहाँ मैंने पकड़ बरियार लख वहाँ अस्वाभाविक नतीजा जोन आयल, एक के हमने लगन कौन ढंग से लेनी कि अगर हमें देखा जाए कुछ नतीजा में तो कमी आई बटे जी, लेकिन एगो हिसाब से भी देखा जाए तो हमने के अपने के ई जोन पालिका में विगत के चुनाव में हमने के पटा में मेयर और उप मेयर जी कर रहे हैं, ओकरा बाद में अपने के बिंदवासी में हम एक सिर्फ खाली मेयर साहब जीतल हन, ओकरा बाद अपने पोखरिया में एगो उप मेयर साहब मात्र जीतल रही और सको पसंद उनके मेयर और उप मेयर जीतल है, लेकिन अभी के भी प्रत्यक्ष में देखा जाए तो हमने के बहुत माई में हमने के मेयर जीतल बटे, ओकरा बाद में हमने सको पसंद में हमने के उप मेयर साहब जीतल रही, ओकरा बाद में ए तरीका बटे कि देखला से भी हमने के कमी टंका बा, लेकिन कोनो जोन के हालत में खास कोनो कमी नहीं है, लेकिन ई जोन अस्वाभाविक पराजय जोन भोगे के पड़ल एकर कारण तो अपने लगन का कारण है, एकर समीक्षा तो कैले होके हम लगन कि नहीं लगन जी, जी कारण का बात की देखे लग रहा कारण का कि जनता बदलाव खोजता, जनता परिवर्तन खोजता, जनता 4 वर्ष के जोन 5 वर्ष के जो दौर मियान बा उ गतिविधि में जे निर्वाचित मेयर और उप मेयर और वार्ड अध्यक्ष होटल हो उन लोग गतिविधि के पहचान करके वो अनुसार से वो वोट के चूज कर सकते, ऐसे जनता परिवर्तन कर ले बटे, अपने के चार ओर क्षेत्र में 3 के ना देखा जाए, चार ओर अपने देखा जाए कि हरेक जगह जे निर्वाचित बटे वो बहुत जीत ले नहीं सके, बहुत मने मने उन लोग के बहुत मने उन लोग का पराजय हो गए बटे जीत ले नहीं सके, ऐसे क्या बटे कि राजनीतिक में खेल सर एक मतलब राजनीतिक में चढ़ाव उतराव होकर तला माथी होकर ऐसे एक खास हमने के लेकर हमने के ना चलन सन, लेकिन आवे दिन में हमने के संगठन के शुद्धिकरण हमने के ऊ हिसाब से हमने के भूमिका का हमने के अगाड़ी बढ़न सब सफलता को हमने के ज्ञान समय निश्चय बस जी, यानी कि निर्वाचन एगो स्वाभाविक प्रक्रिया हार जीत होला, लेकिन रहल बात जैसे कि अभी जो नतीजा अपने लगन के पक्ष में ना आई एकर कहीं ना कहीं प्रभाव आवेला जोन संघ और प्रदेश के चुनाव में रही कि का बाटे, कौना एंगल से कौना दृष्टिकोण से पर अपने लगन सोच रहा बानी एकरा में सर कह ले तो प्रभाव के हिसाब से देखले तो हमनी के कहीं अब क्षेत्र में 3 अथवा जिला में हमनी कहीं कम रहने दिसम अपने के अपने के गनावे के चाहे भी मन है और इसको गमी रहूगा कि अपने के हमने बहुत है भाई के मेयर जितना ही बाहर जब नगर पालिका हो सबों को सही में उपयोग जितना ही बाहर निकल हुआ उसके बाद अपने के चलते चलिए अपने अपने का अपने का में धोबनी में देखी और बाद अपने का अपने का ही कल के माई में देखी तो ऐसा क्या बात है बारे में मेयर साहब को जीत दी मेयर देखी और बाद अपने का जिला समन्वय समिति का जो हमने बोर्ड बोले तो बोर्ड का जिला समन्वय समिति के सभापति के देखी ऐसे क्या बात की हमने के राजनीति के स्वर पर देखा तो हमने कमजोर स्वर नहीं दिस लेकिन हाँ क्या बात खेल है एक खेल में तले माफी हो सकता एकदम मैं कहीं कहते हुए चले बात नहीं है अपने का सब दिन जनता स्वीकार करते करते आई लेकिन एक दिन दो दिन में जनता अपने का पलट दी अपने का समझ नहीं राजनीतिक में क्या हुई सारे लोग कोई दी 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 वोट ना दी ऐसे कहा कि समग्र में हमने के जिला के भीतर में देखा जाए तो हमने के जसपा का दिन किला जो हालत पर्सा जिला में वो हमने के एकदम बरकरार बा एमें कहीं कतई दुमत की बात नहीं है लेकिन जो एकदम सुंदर बात निर्वाचन के दौरान में जो बेरा चुनावी माहौल जोड़ तोड़ से चलत रहे वो बेरा हरेक पार्टी के अपन अपन एगो आकलन अलगे रहे दावेदारी भी अलग रहे लेकिन 81 जोन परिवर्तन भेल स्वाभाविक बाकी का बाटे जी देख लो परिवर्तन तो अपने काम पहले भी बात बतानी है कि परिवर्तन अपने के जनता खोजता जनता चेंजिंग खोजता जनता को चेंज 4 वर्ष इनका देखने सन का क्रियाकलाप खोले हन इनका गप चेंज करो बाकी क्या बात देखी गौपालिका का क्या बात है कि गौपालिका एगो इतना बड़का स्थानीय जो सरकार बटे जो देश में 3 तरह के जो सरकार बोल रहा है स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ये बहुत बड़का एगो अपने कहीं एगो षडयंत्र काम करे के हिसाब से अब आदमी के कहा कि एमए वड़ा अध्यक्ष
अब उपमेयर और मेयर एकदम दक्ष होकर के चाहिए, एकदम अपने के एकदम एगो कर्मशील टाइप के आदमी होकर के चाहिए, तब जाके वह ये चीज भेजा लगा, ना तो खाली मीटिंगे में माला पहने में अंगोछी पहने में अब पांच वर्ष में बीत गए समझे हम कथी कोई ना कर सकी। ऐसे कहा बात है कि जनता अभी खोज रहा बा कि उ टाइप के लोग कब मिली, उ टाइप के लोग कब आई, ऐसे उ चीज बदलाव कैले बटे। अब इो चीज में अभी के फिर जो चुनाव में जो भी जीत के गई बटे यदि वैसा चीज ई करके निकल के देखा के आगे मैं बढ़ सक लेकिन मैं लोग परास्त हो जाए लोग। यानी कि अब जनता के काम चाहिए, जनता के काम ना करे वाला जनप्रतिनिधि अब जनता कबो स्वीकार नहीं के कर सकत ना करी, काहे कि नतीजा देखा देले बाटे जनता। अब की बात देखिए जाओ देखिए सरकार अभी अभी के परिप्रेक्ष्य में हम अपने के बात को बताओ के चाहे कि प्रदेश सरकार अभी अपन नीति बनावा बाद में अपने के स्थानीय सरकार नीचे भी बाहर अब अपने क्या बात की ऐसा मोडलिटी युग हो गया, ऐसा मोडलिटी के युग हो गया कि यदि आदमी पढ़ के बैठले तक लोग रोड पर घूमता शिक्षा क्या पता कोई समाज के और राज्य के और देश के कुछ विकास कुछ काम करके दे खतरा, लेकिन उन्हें चीज ना हो सके जैसे कि अब जैसे एजुकेशन के हिसाब से देखें अपने तो सिर्फ मतलब अपने के मैंने यदि प्राविधिक शिक्षा यदि पढ़ाता तो अपने के ऊपर काम करे में कोई दिक्कत नहीं हो सके, लेकिन वो चीज यह सही सरकार अपने लिखब ले बता सकते अब जितने लोग आवे उतने लोग करते करते उन्हें हैरान मिल गए। ऐसे जनता को कि जब भी देश में जब संहिता आई बटे जब देश में संहिता आई बटेगी जब हमने के अपने के सिंह दरबार हमने गांव घर में आई बटे तो सिंह दरबार के पुत्र भूति कैसे मिली उस चीज के बदलाव खोते जनता अब नहीं ये चीज के बदलाव जनता कहे बटे और बदलाव के ले बटे हाँ, लेकिन जब भी अभी काफी भैल बटे यदि वो चीज भी तीन भी ना हुए थे कि आने दिन में फिर ये लोग चेंज कर दी ऐसे एक चीज का बहुत बड़का ये मानी बुझे वाला चीज। लेकिन अपने लगन के भी तो दायित्व तो बनता कि जी अपने लगन के पार्टी से निर्वाचित जनप्रतिनिधि लोग बांटे उन लोग के सही कार्य दिशा रास्ता दिखावे के जनता के कौना हिसाब से अगाड़ी बढ़ला पर जनता अपने के जो जनमत देले बाटे ओकर कदर हो सकताटे चाहे जनता के जन भावना बमोजिम अगाड़ी बढ़े वाला दिशा निर्देश करे के खातिर तो अपने लगन के कर्तव्य बनताटे पार्टी के उते जी एकदम एकदम बनता। अब एक में देखे कि चाहिए रो का हम एगो बात बताओ चाहे मुकलेश्वर अपने के हम सानवी एफ एम के माध्यम से बताओ की बात करते हैं देखा जाओ हम के अपने के मेयर के और उप मेयर के वार्ड अध्यक्ष चाहे वार्ड सदस्य के जो भी बा लोग हमी के मीटिंग में अपनी के प्रशिक्षण है देख के हमी के कहें हाँ हाई मोडलिटी से चले लग तब रो के दिन आवे ला दिन हमी के अच्छा रही जैसे कि विद्यार्थी के मास्टर जो पढ़ेला तो प्रशिक्षण वो कहा कि एगो ज्ञान है बुझे वाला चीज हो उस चीज के अपना दिमाग में रख के आगे में बढ़े के पड़े तब जाकर हुआ अगाड़ी में हुआ बढ़ सकते हैं ना तो चलो बोले बोर्ड पर सुनाओ तो मर साहब हमारा के पढ़ाओ तो हम अलग पढ़ रहे हैं बुझा लो ताके तो उस तरह ज्ञान ना हो सकेला। ऐसे क्या बोले कि हमने के जो भी निर्देशन देते हैं सोवन निर्देशन कौन सा से यदि मेयर और रूप में और वार्ड सदस्य लोग अपन काम करते अगाड़ी में बढ़ा दी लोग तो कहता ही हारे के हमारा संभावना नहीं खेल हो सकल, लेकिन क्या बात है कि राजनीतिक में क्या बोले कि राजनीतिक जब तक परिपक्व रहो लगे परिपक्व अपने नेकी हो सकत तब तक रहो से राजनीतिक संभव भी नहीं है। लोग अब प्रत्यक्ष में क्या बोले कि देख के क्या एक फलाने चिल्लाने जितावे के देखा जाए लेकिन ना हुआ भी नहीं राजनीतिक के काम मोल में समाज के प्रति कैसा ओकर मोल भावना बा राज्य के प्रति कैसा ओकर भूमिका बाटे ओकर अपन नेतृत्व कैसन बा ओकर अपन क्षमता कैसन बा ओकर अपन क्राइसिस में अपने पैसे हरेक चीज देख के मैंने राजनीति कर रहा चीज बैठे लेकिन वो चीज ना होने के चलते भी राजनीति में कुछ लोग अच्छा नहीं कर जी। अब जैसे कि विगत के जनप्रतिनिधि के कार्यशैली और अभी जे निर्वाचित जनप्रतिनिधि लोग बाटे का ये लोग के पास चुनौती हो सकता का समस्या हो सकता का कहे के चाहे जनप्रतिनिधि लोग से देखिए हम जनप्रतिनिधि साथी लोग से हम आग्रह करे के चाहे बती हम कि जनता के जो देश में संघता बहुत आंदोलन के बाद विकराल रूप लेके छो छो महीना आंदोलन कैल के बाद जरूर इस संघता देश में स्थापित भा जनता के हमने के और निर्वाचित लोग भी चीज बुझे के पड़ा और एक के बरकरार रख के और जो भी जनता वोट दिल रहा उ लोग के कैसे आगे में बढ़े के चाहिए इस चीज पर उन लोग को भी विचार करे के पड़ा। अभी के परिप्रेक्ष्य में अपने के बात भी कहानी है कि प्राविधिक शिक्षा का सबसे बड़का जरूरी चीज बा अभी अपने आई ए बी ए पढ़ा के अपने के कोनो माने बैचलर करके एजुकेशन तो होता लेकिन जो चाहिए वो शिफ्ट निकल ऐसा स्थानीय तौर पर
ऐसा ऐसा शिक्षा के लागू भी करेगा पवार की प्राथमिक शिक्षा का, जैसे वो मानदंड हम करे अभी के युग में अपने के देखिए एगो सिंपल अपने के एसी के काम कर ला आदमी दुनिया भर के पैसा कमाता, अपने के स्कॉर्पियो बनाओ आदमी दुनिया भर के कमाता पैसा कमाता, लेकिन वह काम करे खतरे यदि आदमी पढ़ लिख के आदमी यदि काम करे तो क्वालिटी भी काम भी होगी और रोजगार भी होगी और पैसा भी कमाई, ऐसे ये सब ही योजना लिया जाए अपन अपन गाँव पालिका में कार्यान्वयन में लिया जाए ताकि जाके मानो आदमी के विकास के तरफ में मैंने बढ़म सब। दूसरे में क्या बात लगे कि कृषि कृषि पर आधारित हमने के जो देश बटे हमने के देश बटे और उग्र में खास करके पसा जिला में अपने के आज जिला में अपने के सबसे बेसी अपने के विशेष परसा और बारह में विशेष हमने के कृषि पर लोग आधारित बटे एक बारे में भी विस्तृत समझे पड़ा, जैसे कि क्या बटे कि एक बारे में विस्तृत गौ परिकार जिन लोगों को ध्यान लेके जा सक और जो निर्वाचित साथी वाले उन साथी लोग से हम आग्रह करके चाहिए फिल्म के माध्यम से कि हमने के जो उत्पादन करते ऐसे चीज कृषक हमने के जो उत्पादन करते ऐसे चीज उस चीज क्या होता है कि हमने के जब खाए के जब समय आया था जब मोहन यादव के लिए वो खत्म हो जाता, खत्म होने के कारण कितना बात है कि हमने के प्याज बनाते इंसान, हमने के लहसुन बनाते इंसान, हमने के आलू बनाते इंसान और उस चीज के हमने के लिए भंडारण करे के व्यवस्थापन नहीं है वो हमने के लिए आके घर में अपना के धरे थे इंसान, लेकिन जब महंगाई के जब समय आओगे तो लग रहा सर है एक व्यवस्थापन के करी गौ पालिका के मेयर करी गौ पालिका के उपमेयर करी बड़ा बैठने का बोर्ड में बैठ के निर्णय करके ऐसा ऐसा प्रत्येक गौ पालिका में अभी कोल्ड स्टोर की व्यवस्था लोग अपन मान बढ़ाओ का बनाओ का ऐसा क्या होगी कि एगो हमने के कृषि में हमने के उन्नति और प्रगति हमने को तो बाद में अपने के शिक्षा के मैटर में हम अपने बताओ का काम लड़की सब के जोन बात अपने की शिक्षा में जोन हमने के प्रदेश सरकार से अपने के साइकिल जाने के वितरण कार्यक्रम कर लोग और बाद में अपनी लैपटॉप बांटे के वितरण कर बाटे लोग ऐसे लड़की सबके प्रोत्साहित करे खतरा कैसे लड़की कुल के हमने के आगे में बढ़ाओ जाते हमने संतति हमने के बनी हमने के और ये सबसे आगे में बढ़ी इस चीज पर भी योजना ला के लोग ध्यान लेके आगे में बढ़ी तो हमने के आवे वाला दिन हमने के बहुत अच्छा रही। जैसे की आवे वाला अगहन में अब पहल का हफ्ता होके या लास्ट हफ्ता या बीच के हफ्ता कहीं ना कहीं देश में फिर से चुनावी बिगुलबाजी चुनाव हुई संघ और प्रदेश के का बा अपने लगन के रणनीति का बनल बन रहा बटे कौना ढंग से संगठन विस्तार संगठन निर्माण काहे के निर्वाचन के बाद तितर बितर भई रहला संगठन ओकरा के इकट्ठा करे के प्रयास कौना ढंग से कर रहल माने खाल जी हमने का बा कि अभी तो हमने के विगत में बहुत बने के चुनाव के बीतल बैठे ओकरा बाद में हमने के जवान भी हमने संगठन का जो भी लोग बात है कहा कुछ लोग राजनीतिक में कहा कुछ ढूंढमुल लोग हो खेला वो अपने के संग नहीं रही लेकिन वोट दे दो ओकर लगे राजनीतिक चेतना ना रहना तो हरेक पार्टी में बात है और एन एस होने जाके अपन नाम बदनाम कर ना अपन नाम रेडियो में दिवा कर पति के नाम बदनाम करा लेकिन जो पार्टी के जो केडर बात है वो कहीं ना जला वो तो दल अपने फुटा थोक अपने क्लियरेंस रही ऐसे की वो अपने सिद्धांत और विचार लेके वो अपन सेटिंग कर ले बटे वो अनुसार से आगे बढ़ रहा बा ऐसे आओ ना जो दिन में चुनाव हमने के ना हमने संगठन के हिसाब से हमने के अपन अच्छा से दुरुस्त हो कम कम के आगे में बढ़न सन और आगामी हमने के जो केंद्र के जो केंद्र का समिति का जो निर्णय वो सर्कुलर जो अनुसार से यदि आई वो अनुसार से हमने चुनावी मैदान में बढ़ के हमने के आगे में बढ़ के हमने के प्रयास करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देव के चाहे में इतना व्यस्तता के बावजूद भी कार्यक्रम सवाल जवाब के खातिर अपन समय देनी नागेंद्र जी धन्यवाद हम ईशान भी एफएम के और मुकुलेश जी के भी हम एफएम के माध्यम से हम धन्यवाद देव के चाहे हम धन्यवाद जी धन्यवाद। आदरणीय जन समुदाय कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहुत सौर छलफल खास करके प्रसाद क्षेत्र नंबर 3 में जनता समाजवादी पार्टी के अवस्था और विभिन्न विषय पर आज हमने के बहुत सौर छलफल करिए सन। आज के बहुत सौर छलफल के खातिर सहभागी करी लेनी सन जसपा प्रसाद क्षेत्र नंबर 3 के क्षेत्रीय अध्यक्ष नागेंद्र प्रसाद यादव जी। कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहुत सौर छलफल सुनिए अपने लोग के बहुत बहुत धन्यवाद देव के चाहे विशेष धन्यवाद प्राविधिक मित्र सानू जी के देते हुए कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बनी प्रणाम। गाँव शहर